गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 14, टॉयज एवरीवेयर. सो यू ओपन योर इंग्लिश रीडर बुक. लेट अस स्टार्ट नाउ दिस चैप्टर. चैप्टर 14, टॉयज एवरीवेयर. मिंटीज टॉयज ले एवरीवेयर इन द हाउस. मिंटीज के जो टॉयज थे वो पूरे घर में पड़े हुए थे. हर टैडी ले इन द गार्डन. उसका टैडी गार्डन में रखा हुआ था. हर टैडी हर डॉल ले ऑन द फ्लोर. और उसकी जो गुड़िया थी वो फर्श पर पड़ी हुई थी. हर बॉल रोल्ड ऑल ओवर द हाउस. और जो उसकी बॉल थी वो पूरे घर में गोल गोल घूमती रहती थी. मिंटीज मदर वॉज टायर्ड टू पिक अप द टॉयज. और मिंटी की जो मम्मी थी वो उसके सभी खिलौनों को उठाकर रखते हुए थक जाती थी. वन नाइट एक दिन रात में हर मदर कलेक्टेड ऑल द टॉयज. एक दिन रात में उसकी मम्मी ने सभी खिलौनों को इकट्ठा किया. एंड पुट देम टुगेदर ऑन द बेड. और सबको एक साथ बेड पर रख दिया. द टॉयज टॉक टू ईच अदर. और सभी जो खिलौने थे तब आपस में बात करने लगे. देखिए ये मिंटी का बेड है जिसपे उसकी मम्मी ने सभी खिलौनों को रख दिया है. आई एम सैड. मैं बहुत दुखी हूँ. मिंटी लीव्स मी इन द गार्डन. मिंटी मुझे बागीचे में छोड़ देती है. आई गेट एज डर्टी एज अ डोर मैट. और मैं डोर मैट की तरह गंदा हो जाता हूँ. शी फॉरगेट्स टू पिक मी अप. और वह मुझे उठाना भूल जाती है. सेड द टैडी. टैडी ने कहा. She is bad. She leaves me on the floor. वह बहुत बुरी है. वह मुझे फ्लोर पर रख देती है. Her dog pulls my hair. और जो उसका डॉग है वह मेरे बालों को खींचता है. Said the doll. गुड़िया ने कहा. मिंटी लीव्स मी एनी वेयर. मिंटी मुझे कहीं भी छोड़ देती है. आई गेट किक्ड ऑल ओवर द हाउस. और वह मुझे पैर से किक करती रहती है पूरे घर में जिससे मैं घूमता हूँ. सेड द बॉल. बॉल ने कहा. टेडी डॉल एंड बॉल डिड नॉट नो वॉट टू डू. टेडी गुड़िया और बॉल नहीं जानते थे कि अब क्या होगा. इट वॉज मॉर्निंग. या एक सुबह थी. दे वर इन फॉर अ सरप्राइज. जो उनके लिए बहुत ही सरप्राइज से भरी हुई थी. द नेक्स्ट डे दूसरे दिन मिंटी स्टार्टेड टू लुक आफ्टर देम. नेक्स्ट डे मिंटी ने अपने सभी खिलौनों को देखना शुरू किया. She put टैडी on the shelf. उसने अपने टैडी को उठाया और सेल्फ में रखा. She put doll in the doll box. और गुड़िया को उठा करके गुड़िये के घर में रखा. She put the ball in the box. और गेंद को उठाकर बॉक्स में रखा. The toys were very happy. सभी खिलौने बहुत खुश हुए. They will never know that Minty had heard then talk on the bed. वे यह नहीं जानते थे कि जब वे सभी बेड पर आपस में बात कर रहे थे तो मिंटी उनकी बातों को सुन रही थी. She had thought. उसने सोचा. They are my toys. यह मेरे खिलौने हैं. I must love them. मुझे इनसे प्यार करना चाहिए. She had decided to turn into a good girl. फिर उस दिन से उसने निश्चय किया कि अब मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी.
इस तरह से आपने इस चैप्टर में देखा कि हमें घर में अपने खिलौनों को एक पर्टिकुलर प्लेस पर रखना चाहिए। इस तरह से बेटा आप सभी का चैप्टर 14 का एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। थैंक यू।